हेलो एवरीवन, हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे जो इस चैप्टर की, जो यानी कि फोर्थ चैप्टर की जो आगे की एक्सरसाइज छूट चुकी है, आज उसको ही कंटिन्यू करेंगे। लेट्स टॉक। नेक्स्ट एक्सरसाइज का जो नाम है वो है लेट्स टॉक। इज देयर एनीवन इन योर क्लास whom यू लाइक, ये आपको लिखना है। देखो कि ऐसा भी कोई क्लास में है जिसको आप पसंद करते हो, जैसे ये मंकी है वो सबको पसंद करता था, तो ये उसको आपका नाम लिखना। आपको यदि आपका कोई फ्रेंड हो तो आप उसका नाम लिखना है। डू यू वॉन्ट टू बी लाइक हर और हीम और वाई, क्या तुम उसकी तरह बनना चाहोगे? तो यहाँ हम लिखेंगे यस आई लाइक माई बेस्ट फ्रेंड इन माई क्लास एंड हर नेम इज़ प्रियंका। फिर आप ये लिख सकते हो हीज नेम इज़ केवल। डू यू नो अबाउट द फूड डैट ईच एनिमल ईट्स? तो यस आई नो अबाउट द फूड ऑफ अ फ्यू एनिमल्स डैट दे ईट। अ जिराफ ईट्स अ लीव्स, जो जिराफ है वो पत्ते खाता है वो हम सबको पता है। फिर हम ये भी लिख सकते हैं ईट्स लीव्स। द टाइगर एंड लायन ईट्स द फ्लैश ऑफ द अदर एनिमल्स एंड द काउ ईट्स ग्रास, जो गाय है वो घास खाती है। फिर है लेट्स लिसन। व्हाट डज लिटिल मंकी वांट टू बी? तो यहाँ लिटिल मंकी है वो क्या बनना चाहता था? द लिटिल मंकी वांट्स टू बी अ स्ट्रॉन्ग हु हियर्स हर हियर्स हिम। द वाइज वुमन हियर्स हिम। How does an elephant have a bath? How does an elephant fills his trunk? An elephant fills his trunk with water and blows it over himself. यानी कि elephant है वो कैसे नहाता है? तो पहले वो अपनी सूंड में पानी भरता है और उसको blows यानी कि उछालता है ऐसे अपने body पर। फिर है next। Does the zebra have a spots or strips? क्या जेब्रा के पास पूरे बॉडी में स्पॉट्स और स्ट्रिप है? तो यस जेब्रा हैज स्ट्रिप्स ऑल ओवर हिज बॉडी। फिर है व्हाई डज लिटिल मंकी वॉन्ट टू बी हिमसेल्फ अगेन? लिटिल मंकी है वो अपनी जो सेल्फ थी जात, उसका पुराना हुलिया, उसको क्यों वापस लेना चाहता था? तो द लिटिल मंकी फाउंड हिज हिमसेल्फ लुक लाइक अ मॉन्स्टर देयरफॉर ही वॉन्टेड टू बी हिमसेल्फ अगेन। यानी कि लिटिल मंकी है उसने जब अपनी परछाई उस पानी में देखी तो उसने क्या देखा कि मैं मॉन्स्टर जैसा दिखता हूँ इसलिए। फिर है लेट्स शेयर। देर आर अ मेनी काइंड्स ऑफ पीपल They all look different. One face has been drawn for you. Complete the rest of the face. So this exercise is for you all. यानी कि कई प्रकार के अलग है वो इंसान है और सबके चेहरे हैं वो बिल्कुल अलग है। तो आपको भी यहाँ देखो ये फेस है सारे वो बिल्कुल इनकम्प्लीट है। तो आपको देखो ये फर्स्ट फेस जैसे कंप्लीट किया है उसी तरह आपको ये अलग फेस है, डिफरेंट फेस है वो वहाँ ड्रॉ करने हैं। तो आपके एच डब्ल्यू में ये रहेगा काइंडली रिफर टू द टेक्स्ट बुक फॉर द इमेजेस। यानी कि यहाँ जो फेस है आपको भी दूसरे फेस ऐसे ड्रॉ करने हैं। फिर है लेट्स एक्ट। एक्ट आउट द स्टोरी प्ले द पार्ट्स ऑफ द मंकी द वाइस वुमन एंड द मदर इन टर्न्स इन द क्लासरूम। व्हाट वुड यू डू इफ यू हैड अ मैजिक वैंड? देखो ये लेट्स एक्ट है ना वो आपको करना है, यानी कि एक एक्टिंग करनी है, एक्ट करना है। फिर क्या करना है? कोई ऐसा प्ले है वो प्ले यानी कि कोई ड्रामा है उसको आपको परफॉर्म करना है, जिसमें एक लड़का मंकी बने, कोई विमेन हो वो वाइस वुमन यानी कि फेरी बने और उसके पास मैजिक वैंड हो उसी तरह। व्हाट वुड यू डू इफ यू हैड मैजिक वैंड?
I would turn it round and turn book into a pizza. यदि मेरे पास मैजिक वैंड होता तो मैं उस जादुई छड़ी को घुमाता और जो बुक है उसको मैं पिज्जा बना डालता. I would turn a dog into puppy. यानी कि जो कुत्ता बड़ा हो उसको मैं बहुत ही छोटा पपी यानी कि कुत्ते का बच्चा हो ऐसा लुक देता. I would turn a pencil into a music system. और यदि मेरे पास जादुई वैंड होता तो जो पेंसिल है उसको मैं क्या करता, एक म्यूजिक सिस्टम बना देता. I would turn you into a fairy. और यदि मेरे पास मैजिक वैंड होता तो मैं खुद तुमको फेरी में भी टर्न कर सकता यानी कि एक परी बना सकता. तो यहाँ ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है. यहाँ हमें बताना है था कि हमारे पास यदि मैजिक वैंड हो, यदि कोई जादुई छड़ी हो तो हम क्या करते वो. फिर है नेक्स्ट एक्सरसाइज से अलाउड. से अलाउड यानी कि ये जो वर्ड्स है उसको हमें लाउडली स्पीक करना है, बोलना है एक साथ. आप भी बोलना साथ इसको देखकर. तो पहले है स्ट्रॉन्ग, स्कूल, स्पोर्ट, ज़ेब्रा, जिराफ, गम, स्ट्रेच, स्किन, स्पीड, जूम, जंप, गर्ल, स्ट्रिंग, स्कॉल्ड, स्पिन, जिप, जॉय, ग्रो, स्ट्रिप्स, स्कर्फी, स्पेल, जू, जेली और गिव. तो ये हमें जो वर्ड्स थे उसको हमें लाउडली स्पीक करने थे, जैसे हम आगे के चैप्टर में भी करते हैं. अब है नेक्स्ट एक्सरसाइज लेट्स फाइंड. मंकी आर फन टू वॉच. कैन यू फाइंड द वर्ड मंकी 5 times इन द बॉक्स. तो हमें क्या करना है कि हमें जब हम मंकी को देखते हैं, बंदर को देखते हैं, तो हमें बहुत ही फन मज़ा आता है. ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स में देखो कई सारे लेटर्स है, उसमें हमें जो मंकी वर्ड है वो हमें 5 times इसमें से ढूंढना है. तो इस बॉक्स को देखो को और यहाँ हमें 5 times जो मंकी वर्ड्स है उसको हमें सर्कल करना है. तो आप भी इसमें ढूंढने की ट्राई करना, वरना इसकी PDF है वो आपको मिल जाएंगी. फिर है नेक्स्ट एक्सरसाइज नाउ राइट अबाउट योर फेवरेट एनिमल और बर्ड कंप्लीटिंग दिस सेंटेंसेस. हमें यहाँ लिखना है कि हमारा जो फेवरेट एनिमल कौन सा है, फेवरेट बर्ड कौन सा है. तो हम लिखेंगे माय फेवरेट एनिमल इज लायन. आई लाइक इट बिकॉज इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग. हमें मुझे लायन पसंद है क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है. I don't like it because it eats other animal. वो हमें अब रीज़न देना है कि वो हमें पसंद क्यों नहीं है. I don't like it because it eats other animals. क्योंकि वो दूसरे जानवरों को, प्राणी को खाता है. I think it's look like tiger. और वो बिल टाइगर की तरह दिखता है. तो माई फेवरेट एनिमल इज लायन. आई लाइक इट बिकॉज इट इज़ स्ट्रॉन्ग. वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है इसलिए मुझे लायन पसंद है. आई डोंट लाइक इट बिकॉज इट्स अदर एनिमल्स. वो मुझे एनिमल लायन पसंद नहीं है क्योंकि वो दूसरे जो एनिमल है उसको खाता है. आई थिंक इट्स लुक लाइक टाइगर. और मुझे वो और टाइगर की तरह दिखता है. फिर है वर्ड बिल्डिंग. मैच द एनिमल टू इट्स ग्रुप. यहाँ हमें देखो एनिमल के ग्रुप में उसके नाम है वो हमें लिखने हैं. तो हम लिखेंगे अ बी यानी कि अ स्वार्म ऑफ अ बीस, अ काउ अ हर्ड ऑफ अ काउस, a pride of a lion and a flock of birds, a bees, a swarm of bees, a herd of cows, a pride of a lions, a bird
अ फ्लॉक ऑफ बीस। तो यहाँ हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। ये एनिमल के ग्रुप नेम है, यानी कि एक से ज़्यादा बर्ड हो तो हम कहेंगे अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, यानी कि पक्षी का झुंड। अ प्राइड ऑफ लायन, यानी कि शेर का ऐसे झुंड। तो यहाँ हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट सेशन में इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। अब भी पढ़ना। सो टिल देन, हैव अ नाइस डे टू ऑल।